हेलो गाइस, टुडे वी विल लर्न द मैथ टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन, वी विल सी द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एक्स प्लस आई वाई इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स प्लस आई वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर। ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो आपको आयोटा के फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ माइनस वन। द वैल्यू ऑफ आयोटा इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन। द एक्स एंड वाई आर रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जनरली आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर यह कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें जो आपको x दिखाई दे रहा है वह है रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड जो आपको y दिखाई दे रहा है वह है इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा है आप बताइए, तो आप इजीली बता सकते हैं जो x रहता है वह रियल पार्ट रहता है, एंड जो आयोटा के साथ में जो भी वैल्यू रहती है वह इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अगर x इक्वल टू ज़ीरो एंड y इक्वल टू नॉट ज़ीरो है, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा। x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन द इक्वेशन विल बी z इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस iota y। इट मीन्स z इक्वल टू iota इंटू y। और जब iota के साथ में कोई वैल्यू है इसका मतलब वह है प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि उसमें ओनली रियल पार्ट कोई भी नहीं होगा, ओनली इमेजिनरी नंबर होगा। देन उसके बाद है इफ़ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू एक्स। तो जेड इक्वल्स टू एक्स, इट मीन्स x तो ओनली रियल नंबर है, इसके साथ में कोई भी आयोटा नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो यह हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। लेकिन अगर हम बात करेंगे x इक्वल टू ज़ीरो और y इक्वल टू ज़ीरो, दोनों ही नंबर क्या है, ज़ीरो है, तो उस टाइम पे हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर इसकाल ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसे हम कहेंगे ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हम उसके बाद बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपसे कोई कहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालिए, तो बस इजी है। जनरली आपको क्या करना है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। तो जेड के ऊपर हमें बार दे देना है, बार देने के बाद एक्स जैसे का वैसे लिखना है, और फिर वहाँ पर माइनस लगा के वैल्यू सेम ही लिखनी है। तो यह हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हम उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरली कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो अब हम वहाँ देखेंगे वन बाय वन। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वह भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करते हैं, तो उसके बाद आने वाला रिजल्ट वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अगर आपके पास फॉर्म दिया है एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर हम इनको सेपरेट लिखेंगे तो x इक्वल टू y होगा और y इक्वल टू भी सॉरी x इक्वल टू ज़ीरो होगा और y इक्वल टू भी ज़ीरो होगा। अगर x प्लस iota y इज इक्वल टू a प्लस iota b है, तो x इक्वल टू a हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू b हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके कॉन्जुगेट भी इक्वल होंगे। अगर हमने कभी कॉन्जुगेट की बात किए थे तो प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी, एंड a प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट c माइनस आयोटा डी, तो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल। देन हम देखेंगे
पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में ये डिस्टेंस आर है, ये वर्टिकल है, तो ये जो डिस्टेंस आर है यही हमारा आर हो जाएगा, और जिसे को हम जेड बोलेंगे। एंड इससे जो एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का उसे हम कहेंगे थीटा। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी होंगी आर कॉस थीटा, एंड वाई की जो वैल्यू होंगी आर साइन थीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जेड इक्वल्स टू होता है, जेड इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हम एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे एंड वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन आएगा जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो जब हम आर को कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा जेड इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखा दोस्तों, बहुत ही इजी है। उसके बाद हम देखेंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस तो बहुत ही इजी है, ये हर कोई निकाल सकता है। तो हम मॉडुलस के बारे में देखेंगे अब। तो मॉडुलस में कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे हमारी वैल्यू है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मॉड लगा देंगे। उसके पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर। तो जब जेड का स्क्वायर होगा तो एक्स का स्क्वायर प्लस इसमें ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। तो जब हम इसका मॉड लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। जो एम्पलीट्यूड जो रहता है उसको हम थीटा को थीटा से डिनोट करते हैं। तो जैसे टैन थीटा, हमें पता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स होता है। तो जब हम टैन को इस साइड करेंगे इनवर्स में जाएगा, हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टैन इनवर्स में वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और देन डिवाइड में एक्स की, तो हमारी थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो ये इजी है। बट जैसे जेड वन एंड जेड टू, और टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वहाँ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जैसे मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू है, अगर उसको सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू सेपरेट करने के बाद। उसी टाइप से मॉड ऑफ जेड वन बाय जेड टू को जब हम सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ जेड वन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जेड टू। उसी टाइप से ये है। नेक्स्ट है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बाय जेड टू, अगर लिखा है तो इसका हो जाएगा आर्गुमेंट जेड वन माइनस आर्गुमेंट जेड टू। देन आर्गुमेंट जेड वन इंटू जेड टू का हो जाएगा आर्गुमेंट जेड वन प्लस आर्गुमेंट जेड टू, अगर डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा, इंटू में है तो प्लस। उसी टाइप से ये है। तो आई होप दोस्तों आपको कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।